हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जेपी सैकिया आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब, लेकिन पहले मैं आपको विश कर देता हूँ और विश यू ए वेरी हैप्पी दिवाली। और सिर्फ आपको ही नहीं, आपके पूरे फैमिली को मैं हैप्पी दिवाली विश करना चाहता हूँ। ठीक है, खूब एंजॉय कीजिए। ठीक है, ये सीजन फेस्टिवल ही ऐसा है कि सब लोग इसको एंजॉय करते हैं ना, तो ये टाइम आप पूरे फैमिली मेम्बर्स के साथ स्पेंड कीजिए, है ना। ये एक दो दिन जितने भी होता है, ठीक है, पटाखे वगैरह फोड़िए, लेकिन कम, ठीक है, ऐसा ना हो कि मतलब पोल्यूशन हो, ठीक है, तो कंट्रोल में रह के। और प्लीज़ स्टे सेफ, है ना। बहुत इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं कि जहाँ पे लोग इंजर्ड होते हैं, तो प्लीज़ स्टे सेफ एंड एन्जॉय अ लॉट। और मेरे को एक चीज़ प्रॉमिस कीजिए आप लोग कि ये आपकी लास्ट दिवाली होगी और नेक्स्ट दिवाली तक आप सबको एक एक जॉब लेना है। ओके, कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, कैसा भी हो, डजेंट मैटर, लेकिन जो भी कंडीशन है वो आपका ये लास्ट दिवाली होना चाहिए। नेक्स्ट दिवाली में उससे पहले आप सबके पास एक एक जॉब होना चाहिए, तो इतना मेहनत कीजिए आप लोग, है ना। जो भी आपको यहाँ पे कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं वो बहुत सफिशिएंट है, बहुत बेहतरीन है कि आप कोई भी एग्ज़ाम आप क्रैक कर पाओ। सीजीएल नहीं, मतलब कोई भी एग्ज़ाम आप ले लो आप, तो आप क्रैक कर सकते हो। तो प्लीज़ आप लोग मेहनत कीजिए, है ना। एक दो दिन फैमिली के साथ आप रहिए, एंजॉय कीजिए खूब। और एक दो दिन शायद वीडियोज़ नहीं आएंगे वोकैब के, क्योंकि हमें भी घर जाना होता है ना, हमें भी टाइम देना होता है फैमिली को, तो वही चीज़ है। तो इट्स अ सीजन ऑफ व्हाट फेस्टिवल, तो खूब एंजॉय कीजिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए, मतलब हाफ एन आवर तक कुछ भी है, ओके, यू कैन डिवोट। तो विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, एंड फ्रॉम द एंटायर पाठशाला टीम, दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स एंड जॉय, लेट अस वेलकम लॉर्ड राम विथ रंगोली। ओके, व्हाट यू वॉन्ट इज अ जॉब, ओके, तो मेहनत कीजिए उसके लिए। तो स्टार्ट करेंगे वोकैब का, फाइन। तो आपका डे कौन सा है, ये 143 है, तो प्लीज़ गाइस कॉल पे निकाल लीजिए, है ना। दिवाली है लेकिन रात को है, अभी तो आप पढ़ाई कर सकते हो, तो कॉपी पे निकाल लीजिए और वर्ड्स को लिखिए आप लोग, है ना। डे 143 है और लास्ट तक अटेंड कीजिए, क्योंकि क्विज़ है, तो क्विज़ को अटेंड कीजिए आप लोग एंड रिवाइज़ कीजिए। रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और चलिए स्टार्ट करेंगे। जो पहला वर्ड है हमारा, यस, अप्राइज हमारा पहला वर्ड है। अप्राइज अच्छा वर्ड है। अप्राइज, इसका मीनिंग क्या होता है, किसी को इन्फॉर्म करना, ठीक है, किसी को मतलब कि कोई चीज़ बताना, ठीक है, या फिर इन्फॉर्म करना, उसको बोलते हैं हम लोग अप्राइज करना। क्योंकि इसको हम लोग कभी कभी कंफ्यूज करते इस वर्ड से, अप्रेजल, ओके, अप्रेजल एक वर्ड है, या फिर अप्रेज करना, जिसका मीनिंग होता है कि किसी को इवैल्यूएट करना, ठीक है, किसी को इवैल्यूएट करना, या फिर उसका मेजर करना कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, ओके, उसको बोलते हैं हम लोग अप्रेज करना। लेकिन अप्राइज जो होता है वो उसका बिल्कुल ही अलग मीनिंग है, टू इन्फॉर्म, ओके, अप्राइज्ड, फाइन। और इसके साथ जो प्रीपोजिशन जो आता है वो भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिया है ऑफ, ही अप्राइज मी ऑफ व्हाट हैड हैपेंड, ओके। तो ध्यान रखिए इसका प्रीपोजिशनल यूज भी, अप्राइज ऑफ, एंड इसका मीनिंग क्या होता है, टू इन्फॉर्म। सिनोनिम्स को देख लेते मतलब काफी इजी होगा, क्योंकि इन्फॉर्म मीनिंग है, इंटीमेट करना, हम लोग किसी को इंटीमेट करते हैं कि ये हुआ है, ठीक है, हम लोग किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हमने इंटीमेट कर दिया ऑलरेडी, इन्फॉर्म कर दिया ऑलरेडी, या फिर उसको ब्रीफ करना, है ना, ब्रीफ करते हैं ना हम लोग, ओके, या फिर एनलाइटन करना, इन्फॉर्मेशन दोगे तो क्या होगा, एनलाइटन ही होगा वो चीज़, है ना, एनलाइटन होगा वो। तो दिस वॉज वाला बोल द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या होंगे, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दैट मीन्स कुछ खुलासा कर रहे हो आप लोग, अगर उसको अगर हाइड करोगे, उसको छुपा के रखोगे, तो उसका एंटोनिम हो जाएगा। तो हाइड करना, कंसील करना, या फिर बरी करना उसको, ठीक है, बरी करना, तो ये क्या हो जाएंगे आपका, एंटोनिम्स हो जाएगा। एंड हाउ यू इन्फॉर्म, ठीक है, कुछ चीज़ें आप लिखते हो इस बोर्ड पे, देन यू एक्सप्लेन, सो दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन पास करना, फाइन। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अप्रेज इज वर्ड इन्फॉर्म करना, इंटीमेट, ब्रीफ, एनलाइटन, एंटोनिम्स आर वर्ड कंसील करना, हाइड करना, या फिर बड़ी करना, एंड द सेंटेंस इज वर्ड सी अप्राइज मी ऑफ व्हाट हैपेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे, रेस्टिव। अब इस वर्ड को भी लेने का मीनिंग मतलब क्यों लिया है मैंने, अब रेस्टिव वर्ड से लोगों को लगता है कि यार मतलब रेस्ट करना, वो रेस्टिव मोड पे है, दैट मीन्स वो आराम कर रहा है, रेस्ट कर रहा है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इसका उल्टा है, ठीक है। रेस्टिव जब भी लिखा हो, मान लीजिए कि रेस्ट का बिल्कुल उल्टा, रेस्टलेस, ओके, रेस्टलेस को कहते हैं हम लोग, रेस्टिव कहते हैं। एक्चुअली ये गलती एक बार मैंने करी थी, तो मुझे ये वर्ड से हमेशा वो रहता है कि यार इस वर्ड को ध्यान में रखना ही है, हमको लगता है कि यार वो अभी रेस्टिव मूड में है, दैट मीन्स वो आराम कर रहा है, ठीक है, सो हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, रेस्टलेस है, वो कांप रहा है एक तरह से वो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेस्टिव, दैट मीन्स रेस्टलेस, या फिर आप फ्रैक्चर्स कह सकते हो, फ्रैक्चर्स अच्छे वर्ड है, सिनोनिम सारे अच्छे हैं, क्योंकि जिटरी और फिजिटी में क्या मीन करता है कि यहाँ पे देखिए उसके पैर मतलब, ठीक है, वो कांप रहे हैं अभी, मतलब शेक कर रहा है वो, ठीक है,
ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेस्टिव। तो जिटरी भी वही होता है, फिजिटी भी वही होता है, तो फ्रैक्चुअस, जिटरी, फिजिटी, ये क्या हो जाएंगे उसके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स क्या होगा, बिल्कुल उल्टा, इसका उल्टा, काम रहना एक तरह से, या फिर पेशेंट रहना। जो लोग पेशेंट होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मतलब वो रेस्ट, काम रहते हो, कूल रहते हैं, ज़्यादा मतलब एंग्जाइटी नहीं होता उनके अंदर, ठीक है, ज़्यादा उन लोग जिटरी नहीं होते हैं, ठीक है, नहीं शेक करते, नहीं कांपते हैं, तो काम होता है, पेशेंट होता है, ठीक है, या फिर रिलैक्स, तो ये सारे क्या हो जाएंगे आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंड द सेंटेंस इज व्हाट, पीपल बिकेम रेस्टिव एज दे हैड बीन वेटिंग फॉर सेवरल आवर्स। तो लोग वेट कर रहे थे, ठीक है, काफ़ी कुछ, तो उन लोग बाद में दे फील व्हाट, रेस्टलेस, कि क्या मतलब बोरिंग सा चल रहा है, व्हाटएवर, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेस्टिव। तो पीपल बिकम रेस्टिव, दैट मीन्स दे बिकम रेस्टलेस एज दे हैव बीन वेटिंग फॉर सेवरल आवर्स। ओके, तो यहाँ पे फाइन, तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे फटाफट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, फेलिसिटी। फेलिसिटी एक नाउन है, और हम लोग कभी कभार हमें याद नहीं रहता है कि ये वर्ड भी हैप्पीनेस से रिलेट कर सकता है। ओके, तो इसका पिक करने का कारण यही है कि फेलिसिटी हमें लगता है कि हम इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं कुछ इससे, फेलनी से, मतलब ऐसा दिमाग में आता है। और फेलनी आपका होता क्या है, क्राइम। तो इस वर्ड को भी आप नोट डाउन कर सकते हो, फेलनी। फेलनी मतलब क्या होता है, कोई क्राइम। ओके, फेलनी, तो हमें लगता है कि ये वर्ड इसको मीन नहीं करेगा, फाइन, बल्कि इसका मीनिंग क्या होता है, अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस और बीइंग हैप्पी, उसको बोलते हैं हम लोग फेलिसिटी। नाउन है एक तरह से, ये है ना, नाउन है ये। एंड जब आप ब्लिस में रहते हो, आप हैप्पी रहते हो, तो दिस इज हाउ यू रिएक्ट, है ना। तो सिलेक्शन होने के बाद आपको जो फीलिंग आती है वो कैसी होती है, ऐसी फीलिंग, है ना, कोई भी जॉब में जब सिलेक्ट होते हो तो यू फील, ओके, दिस वे। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, एक तरह से ब्लिस, है ना, ब्लिस हो गया। एक्सटेसी, अब एक्सटेसी क्या होता है, एकदम बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेसी। ओके, या फिर इलेशन, तो इसका वर्ब क्या है, इलेटेड, ही वॉज इलेटेड, ठीक है। तो इलेशन एक नाउन हो गया, क्योंकि फेलिसिटी नाउन है, तो ब्लिस हो गया, एक्सटेसी हो गया, ठीक है, इलेशन हो गया, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके सिनोनिम्स होंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, सैडनेस हो गया, डिस्पेयर हो गया, ओके, या फिर मिजरी, तो सैडनेस, डिस्पेयर, ओके, डिस्पेयर मतलब क्या, होपलेसनेस, कोई होप है ही नहीं, तो उस स्टेट में आप कैसा फील करोगे, यू विल फील सैड। तो सैडनेस हो गया, डिस्पेयर हो गया, मिजरी हो गया, तो ये सारे क्या हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स होंगे, इनफैक्ट, यस। एंड द सेंटेंस इज व्हाट, ही वेंट इनटू फेलिसिटी, फेलिसिटी आफ्टर हियरिंग द न्यूज, दैट मीन्स ही वेंट इनटू अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ओके, या फिर ब्लिस, एक्सटेसी, या फिर इलेशन। नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे फटाफट। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रेटिसेंट। बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए यहाँ पे। रेटिसेंट मतलब क्या होता है, कि जो लोग ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करते, अपने मन के अंदर जो बातें हैं उसको बाहर नहीं, मतलब एक्सप्रेस नहीं करते, वो अंदर ही रहने देते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग रेटिसेंट कहते हैं। तो अनविलिंग टू स्पीक अबाउट वंस थॉट्स। ओके, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ठीक है, जुबान पे लगाम एक तरह से। ओके, फाइन, तो ज़्यादा बातें नहीं करते, उन लोग रिजर्व रहते हैं एक तरह से, रिजर्व। आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, हम लोग इनको इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं एक तरह से, इंट्रोवर्ट। ओके, इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। ऐसे आपके फ्रेंड्स होंगे जो ज़्यादा बात नहीं करते, जिसके बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं। ओके, फाइन, तो सिनोनिम्स क्या होंगे, हेजिटेंट, हेजिटेंट, हिचकिचाते हैं, या फिर रिजर्व। ओके, या फिर रिस्ट्रेन, रिस्ट्रेन मतलब किसी चीज़ से मतलब बांध के रखा हुआ, ऐसा लगता है कि किसी ने मतलब उसको बांध दिया है, ठीक है, वो ऐसे बिहेव करता है, दैट मीन्स वर्ड रेटिसेंट, कम बातें करता है, रिस्ट्रेन, रिजर्व, हेजिटेंट। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, आउट गोइंग, एक्स्ट्रोवर्टेड हो सकता है, टॉकेटिव हो सकता है, और जो रेटिसेंट होते हैं वो थोड़े शाई भी होते हैं, है ना, तो अनशाई आपका क्या हो जाएगा, आपका एंटोनिम हो जाएगा। ओके, आप टॉकेटिव में आप गैरुलस लिख सकते हो, गैरुलस, ओके, लोकोसियस, तो ये सब वर्ड आप ऐड कर सकते हो। द सेलिब्रिटी वॉज रेसिडेंट, सॉरी, वॉज रेटिसेंट अबाउट हिज प्राइवेट लाइफ। प्राइवेट लाइफ के बारे में जब भी पूछते हो तो सेलिब्रिटी क्या होते हैं, रेटिसेंट होते हैं, दैट मीन्स देर अनविलिंग टू स्पीक देयर थॉट्स, कि मतलब क्या चल रहा है उसके उनके फैमिली लाइफ में, फाइन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेटिसेंट, नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करेंगे, लास्ट वर्ड है, इसके बाद क्विज है। इनडेलिबल, बहुत ही अच्छा वर्ड है आपके, और वन और सब्सिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इनडेलिबल, इनडेलिबल का मतलब होता है कि दैट विच के नॉट बी इरेज, जिसको हम लोग मिटा नहीं सकते, या फिर मिटाने में बहुत टाइम लगता है। ओके, तो उसको बोलते हैं हम लोग इनडेलिबल। जैसे कि आपने देखा होगा इलेक्शन के बाद अगर आपने वोटर का जो इंक है वो एक महीने तक रह जाता है, तो एक तरह से आप कह सकते हो वो इनडेलिबल मार्क है, एक तरह से इनडेलिबल मार्क, बाद में तो मिट जाता है लेकिन हम लोग कह तो सकते हैं ना। ओके, सो दैट विच कैनॉट बी इरेज्ड इज कॉल्ड वर्ड इनडेलिबल, एंड वन और सब्सिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिनोनिम्स क्या होंगे, एक तरह से इनग्रेंड हो जाता है वो, ठीक है, चिपक जाता है, इनग्रेंड होता है, या फिर एंड्योरिंग होता है, ठीक है, लास्टिंग होता है, वो परमानेंट होता है एक तरह से, यू कैन से, या फिर इनइफेसेबल, क्योंकि इफेस करना मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मिटाना, रब करना, ओके, या फिर इरेज करना,
ओके तो इफेस अच्छा वर्ड है, इसको भी नोट डाउन कर सकते हो। इफेस मतलब होता है कि इरेज करना, ओके एक्सपंज करना भी होता है एक तरह से, इरेज करना या फिर पूरा मिटा देना एक तरह से, एक्सपंज ये भी अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है उल्टा होता है एक्चुअल में, जिसको हम लोग इरेज कर सकते हैं। ओके एक्सपंज हो गया, तो इन इफेसिबल ओके या फिर एंड्योरिंग या फिर इनग्रेन, दिस आर वर्ड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। इनडेलिबल एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इरेजिबल ऑब्वियसली, ओके डिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि ये चीज़ हम लोग डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं ना, जो कि मिटा नहीं सकते उसको हम डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते ना, तो इरेजिबल डिस्ट्रक्टिबल या फिर डेलिबल यू कैन से। ओके एंड द सेंटेंस इज वॉट, सी लेफ्ट एन इनडेलिबल इंप्रेशन ऑन आर माइंड। ओके सी लेफ्ट एन इनडेलिबल इंप्रेशन ऑन आर माइंड, मतलब ऐसा इंप्रेशन जिसको आप भुला नहीं सकते हो। ओके आप समझ सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ। फाइन तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी मैच द फॉलोइंग के जो वर्ड्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। अप्राइज मतलब हमने क्या पढ़ा था, इन्फॉर्म करना, इंटीमेट करना एक तरह से। ओके सो द आंसर हियर इज व्हाट, इन्फॉर्म इज द आंसर। नेक्स्ट रेस्टिव हमने पढ़ा था, बिल्कुल रेस्ट का बिल्कुल उल्टा रेस्टलेस। ओके रेस्टलेस, फिजेटी, जिटरी, ओके रेस्टलेस इज द आंसर। ओके जिटरी, फिजेटी यू कैन से। फेलिसिटी हमने पढ़ा था, द स्टेट ऑफ बींग हैप्पी, द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। ओके या फिर एक्सटेसी हमने पढ़ा था ये वर्ड। रेटिसेंट जो बातें कम करते हैं, रिजर्व, रिस्ट्रेन। ओके या फिर रिजर्व इज द आंसर हियर। नेक्स्ट इनडेलिबल जो कि हम लोग मिटा नहीं सकते, दैट विच कैनॉट बी इरेज्ड, उसको बोलते हैं हम लोग इनडेलिबल। सो द आंसर हियर इज व्हाट, इनग्रेन्ड। ओके अभी देखा था हम लोगों ने। ओके तो दिस वॉज ऑल अबाउट इट। ठीक है गाइज, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। डू लाइक द वीडियो, डू शेयर एंड डू कमेंट गाइज, है ना। एंड जाते जाते सबको विश यू वेरी हैप्पी दिवाली, ओके और आपके फैमिली को भी। थैंक यू।